आप सभी लोग जानते हैं कि कल के जो है वानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ दीगर अगर हम बात करें तो 26 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर मतदान होना है, जहां पर वोटिंग होनी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच रही है, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है। और आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि हम बानीहाल में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त इस खास सेगमेंट में SDM बानीहाल मौजूद है और ये तमाम जो चीज़ें हैं इनकी देख रेख में हो रही है। इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरह से तैयारियां हैं कल के लिए, क्योंकि ये जमहूरी जश्न जो है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं, लोगों में जोश है, लोग चाहते हैं कि जमहूरी इस जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। लेकिन इंतज़ामिया कोश है, इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। 194 के करीब पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं ख्वातीन के लिए, पिंक पोलिंग स्टेशन या दूसरे जो लोगों को डोर स्टेप्स पर इस वक्त फैसिलिटीज दी जा रही है, क्या कहेंगे? जैसा कि आप काफ़ी तफसील से आपने जानकारी दिया कि हमारे फर्स्ट फेज में बाकी दीगर कंस्टिट्यूंसीज के साथ साथ हमारी AC 55 बानीहाल में भी कल 18 सितंबर को इंतखाब जो अमल में लाया जाएगा। इसी के चलते हमने जो आपको भी पता है कि काफ़ी लंबी बड़ी ये कंस्टिट्यूंसी है और इसमें 194 पोलिंग स्टेशन हैं जो बानिहाल से एक्सटेंड करती है रामबन से होते हुए गूल तक, तो यहाँ से काफ़ी लगभग 100+ किलोमीटर्स की मसाफत है बानिहाल हेडक्वार्टर से लेकर के गूल तक। तो इसी के सिलसिले में हमने जितनी भी हमारी दूर दराज की पार्टीज़ थी 61 पार्टीज़ उनको हमने एडवांस में बुलाया था, उनको हमने सुबह 6 बजे से ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी तक अभी लगभग 1 बज रहा है और अभी तक हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो व्हीकल्स जो पोलिंग पार्टी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का गेट अभी तक 140 पार्टीज़ क्रॉस कर चुकी हैं, तो बाकी भी सारे अपने जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं या जितने भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो सारी उनकी अपनी CAPF या जितने भी लोकल पुलिस उसके साथ पेयरिंग करा करके वो सारे अपनी गाड़ियों में बैठे हैं और चंद ही मिनट्स में या आधे घंटे के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सर इंतजामात बेहतरीन हैं और इंतजामिया की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो इस बार इलेक्शन कमीशन भी कोशिश है कि लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस मतदान में इस जमहूरी जश्न में हिस्सा लें। इससे कबल जो हैंडीकैप्स थे या माजूर लोग के साथ साथ जो है बुज़ुर्गों के लिए भी उनके घर पे वोट करने का जो है वो इंतजाम जो है वो किए गए, क्या कहेंगे अभी जो है? बिल्कुल, जैसा कि कमीशन की इंस्ट्रक्शन थी इस बार जो पहले कोविड के टाइम पे जो ये होम वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था उसी के साथ साथ फिर उन्होंने जितने भी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो 85+ हैं या जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उन सब के साथ उन्होंने होम वोटिंग का बंदोबस्त किया। कोई भी वोटर जो माजूर है और उसकी सब्सटेंशियल डिसेबिलिटी है या वो 85 साल से वो है और वो इस कासर है अपने पोलिंग स्टेशन पर जा कर के अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए, तो कमीशन ने उसके लिए ऐसा इंतज़ाम किया कि उनके डोर स्टेप पर जा कर के पोलिंग करवाई जाएगी। तो उसी सिलसिले में हमारे जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे या जितने भी हमारे जो सीनियर सिटीजन थे उनकी हमें 112 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उनको एक कंसेंट फॉर्म भरना होता है, उसमें से 108 लोगों ने वोट कास्ट किया जिसमें जो एक की डेथ हो चुकी थी, 3 जो हैं वो एडमिटेड थे GMC जम्मू में तो उस वजह से उनकी वोटिंग नहीं हो पाई। बहरहाल 112 में से 108 लोगों ने वोट कास्ट किया। उसके साथ साथ जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ एसेंशियल सर्विसेज ड्राइवर्स क्लीनर्स जितने भी हमारे बाकी एसेंशियल हेल्थ के लोग हैं उनके लिए हमने पोस्टल बैलेट के थ्रू जो वोटिंग कराई एडवांस में और उसके लिए हमने 3 दिन मखसूस रखे थे पोस्टल बैलेट के लिए, तो उसमें भी हमें 973 लोगों ने वोट कास्ट किया। साथ ही साथ मेरा ये भी जो आपने इंतजामात की बात की तो कमीशन ने काफ़ी अच्छे से इसके लिए फुल प्रूफ इंतज़ाम किया है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। आप देख रहे होंगे कि इस बार हमारी काफ़ी सिक्योरिटी भी जो है काफ़ी टाइट की गई है, लगभग डबल सिक्योरिटी है हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, हमारी सिविल पुलिस या सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और इवन स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट एडिशन में लगे हुए हैं।
तो किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए या जैसा भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए जो जो भी इंतज़ाम थे वो एडमिनिस्ट्रेशन ने और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के अंडर वो पूरे फुल प्रूफ किए गए हैं, ताकि किसी को भी किसी कोई महरूम ना हो सके अपने हक से और जो अपनी फ्री विल से जो है कल अपना वोट कास्ट कर सके। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे साथ इस वक्त SDM वानिहाल मौजूद थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 साल के बाद जहां जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और कल के रोज़ पहले मरहले के तहत अगर देखा जाए तो 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे 26 असेंबली हाल का इंतखाबात पे जो है वो मतदान होने जा रहा है। लोगों को बढ़ चढ़ कर इस जमहूरी जश्न में हिस्सा लेने की आज़ाद ज़रूरत है। मैं बानिहाल से अली टाइम्स के लिए सुहेल जावेद।